हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाज़ी फैमिली व्लॉग। आज ईद डे था और हम लोग जा रहे हैं मास्क नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मास्क हमारे घर से हाफ आवर की डिस्टेंस पे है। तो हमारे घर से तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। पहले तो शंचन यूनिवर्सिटी से मैं जाती थी, तो वहाँ से तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सो लेट्स गो एंड सी, इट्स माई सेकेंड टाइम टू गो इन दिस मास्क। इस मास्क का नाम है मेयलिंग मास्क शंचन, और चाइनीज़ में मास्क को कहते हैं छिंजन। स छिंजन मीन होता है हलाल, स का मतलब होता है हलाल लोगों की जगह, वो जो बिल्डिंग होती है उसको स कहते हैं, तो छिंजन स। सो लेट्स गो। यहाँ पे हम लोग सबवे से जाएंगे। वैसे तो आप टैक्सी से भी जा सकते हो और बस से भी जा सकते हो, लेकिन वो टाइम काफ़ी लगती है क्योंकि जगह जगह इशारे पर रुकती हैं। तो मुझे, मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है सबवे से जाना। ऑल दो सबवे तक आने के लिए मुझे 10-15 मिनट्स वॉक करनी पड़ती है। टैक्सी तो आपके घर के दरवाजे से भी उठा सकती है, लेकिन ये होता है कि आगे का सफ़र बहुत सुकून से गुजरता है। बच्चे टैक्सी में या कार में और बस में बिल्कुल भी नहीं सुकून से बैठते। सबवे ज़रा ओपन होती है, बच्चे आराम से खेलते कूदते उनका सफ़र गुजर जाता है। तो चलते हैं जनाब। मैं रास्ते में भी आपको डिफरेंट व्यूज़ भी दिखाऊंगी, चाइना की जो कंस्ट्रक्शन है किस तरह धड़ाधड़ चल रही है। जितनी देर सबवे चलती रहती है ना, इर्द गिर्द जनाब बस कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। और देखें सबवे कैसे भरी हुई है। हालांकि ईद सैटरडे को थी, बट स्टिल आप सबवे में चले जाओ ना तो इतना रश होता कि सीट मिलना मुश्किल होती है। ये भी सीट खाली की थी एक पैसेंजर ने बच्चों के लिए। चाइना में ये ज़रूर है कि लेडीज़ बच्चों और एल्डर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, और पीछे लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं प्रायोरिटी सीट्स, जिनमें लिखा हुआ कि इन इन लोगों को आपने सीट देनी है। तो चाइनीज़ भी रिस्पेक्ट देते हैं, फौरन खड़े हो जाते हैं अगर बेबीज़ हो, मदर हो बच्चों के साथ हो, लेडी प्रेग्नेंट वगैरह। तो मीन मॉरल वैल्यूज़ का इजहार किया जाता है पब्लिकली। पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं, वो तो ऑलमोस्ट इंसान की नेचर हर जगह ही सेम होती है। पर्सनल लेवल पे तो आपका अपना मूड इन्वॉल्व होता है, अपनी मर्ज़ी शामिल होती है, लेकिन पब्लिक लेवल पे चाइनीज़ ओवरऑल बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं। सो यहाँ पे आप बाहर देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी होती है, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। इवन कि जैसे मेरे बच्चे हैं वो सीट पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसके अंदर हर वक्त एक सिक्योरिटी का आदमी घूमता रहता और वो मना कर रहा था कि बच्चे को सीट पे खड़े ना होने दे, इससे सीट गंदी होगी और बाकी पैसेंजर्स के लिए फिर वो गंदी सीट पे बैठना एक मतलब मुनासिब नहीं है। सो मैं तो काफ़ी ट्राई की उसके सामने भी, लेकिन बच्चे जो थे वो नीचे नहीं बैठते, बार बार ऊपर चढ़ जाते, बार बार नीचे खुद ही उतर जाता एकदम से, तो शूज़ उतार भी नहीं सकते थे, उतर के खुद ही भाग जाता है। बहरहाल उसने जब ये बिहेवियर बच्चे का देखा तो सिक्योरिटी वाला फिर खुद ही खामोश हो गया था। सो आप बाहर देख सकते हैं ये सफाई सुथराई, स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग, ग्रीनरी, रोड की क्लीनलीनेस। एक तो जो कैमरा दिखाता है वो उतना क्लियर नहीं दिखाता जितनी हमारी आँख अच्छा देखती है। हमारी आँख का जो पिक्सल्स हैं वो बहुत हाई हैं, ठीक है, जबकि हमारे पास जो कैमरे होते हैं तो 10-12-15 इतने पिक्सल्स के होते हैं। मैं तो ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आँख तो मेरा ख्याल है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आई थिंक मैं पढ़ रही थी 500 पिक्सल्स होते हैं उसके। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कैमरा उस तरह से कैप्चर करे जिस तरह एक आम आँख देखती है। तो रियल में जब आप देखते हो बहुत सुकून महसूस होता है, सफाई से ही आधा सुकून आ जाता है इंसान को। आप अपने घर में ही एग्जांपल देख सकते हैं कि जब घर ही साफ़ सुथरा होता है तो कितना सुकून आ जाता है ज़हनी तौर पर ही आपको, और आँखों को जो ठंडक मिलती है। तो जब पूरा मुल्क ही साफ़ सुथरा होगा, लोग भी साफ़ सुथरे होंगे, तो क्यों नहीं इंसान आधा मतलब कि यहीं पे उसकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। हालाँकि एक इस्लामिक स्टेट भी नहीं है चाइना, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस्लामिक स्टेट में रहते हैं लेकिन इस तरह से सफाई का मेयार नहीं है, एक्सेप्ट कुछ फ्यू जगह पे, ठीक है, कोई पोश इलाकों में। एक फिक्स जगह पे तो करना कोई कमाल नहीं है, पूरे मुल्क को साफ़ करना असल कमाल ये होता है। और चाइना इतना बड़ा मुल्क है, 28 सूबे हैं, फिर भी इतने बड़े मुल्क को साफ़ करना मैं कहती हूँ कमाल है, ठीक है। तो चलते जाते हैं और चीज़ें देखते जाते हैं। ये अब सबवे का, जैसे हम रोड से गुजरते हुए एक नेक्स्ट स्टॉप आ गया था, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से स्टॉप होता है,
लिटरिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती, स्पिटिंग, लिटरिंग, जगह जगह पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो अगर आपने किया तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। तो वैसे तो आपको करना नहीं चाहिए एथिकली और मॉरली। ये था इनकी क्लीनलीनेस का मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मैंने बस यहाँ तक ही रिकॉर्डिंग की थी, सफ़र की ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी क्योंकि बच्चों को भी साथ साथ हैंडल करना होता, जो कि एक ना फुल टाइम जॉब होती है और आपको बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता है। लिहाजा हम कुछ देर के बाद पहुँच गए थे। ये मैंने स्टॉप को रिकॉर्डिंग किया है, इसका नाम भी जो मास्क का नाम है वही स्टॉप का नाम है। तो यहाँ पे एक चाइनीज़ जो आगे जा रहा वाइट शर्ट में, ये हमें मिल गया था, इसने हमें गाइड किया कि मॉस्क यहाँ से कहाँ पे है। इस तरह फिर कुछ आपको देसी भी दिखाई देने लग जाते हैं और कुछ मुस्लिम लोग भी जिन्होंने सर को में कैप वगैरह पहना होता है। आपको कुछ फीमेल्स भी दिखाई देंगी जिन्होंने सर कवर किए होते हैं। इससे आइडिया हो जाता है कि लोग मास्क की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा चलते हैं मॉस्क की तरफ, दिखाती हूँ मैं कि मॉस्क में क्या क्या कुछ होता है। यहाँ पे जुमा जब प्रेयर्स होती है ना तो बहुत रौनक होती है, और चाइना में इस कदर सिक्योरिटी होती है जब भी नमाज पढ़ाई जाती है, क्योंकि चाइना में मज़हब की आज़ादी नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब प्रेयर्स की जाती हैं। और जो मुस्लिम लोग हैं ये इस तरह से रोटी खाना पसंद करते हैं, जो नान आपको बड़े बड़े मिल रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तान में मिलती हैं रोटियां, ये इस तरह से डिफरेंट शेप्स भी दी होती हैं। लेकिन जो फ्लैट ब्रेड हैं बड़ी बड़ी नान की तरह, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। बाकी वो जो मोटी मोटी होती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। बाकी ये जो टिफ़िन में थे ये राइस वगैरह थे, पीछे रेस्टोरेंट बना हुआ है। रेस्टोरेंट तो डेली बेस पे हर वक्त ऑन होता है, लेकिन ये जो बाहर स्टॉल लगाए जाते हैं ये ख़ास इवेंट्स पे और ख़ास प्रेयर्स पे, जैसे जुमा प्रेयर होगी, ईदेंस होगी, तो इनके मौक़ों पर ये खोला जाता है। ये जो मैंने आपको शिनजियांग पुलाव भी की एक रेसिपी अपने चैनल पर मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो कोई उसको लाइट कलर देता है, कुछ डार्क कर देता है, बस कलर में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन ये बनाते हैं जैसा काबली पुलाव टाइप होता है ना, इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं, अच्छा होता है जायका। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोश्त वगैरह भी पड़ा हुआ है, पाए हैं, उनको बॉईल किया हुआ है, सोया सॉस डाल के बॉईल किया जाता है, इसलिए उनका कलर जो होता है आपको बड़ा मेरून टाइप सा लगे, जैसे बहुत भुनाई की होती है, हालांकि भुनाई नहीं करते। ये जो चिकन होता है ये रोस्ट किया होता है। साथ में मैं आपको एक इलेक्ट्रिक ओवन भी दिखा देती हूँ, बहुत बड़ा सा होता है, ये देखें इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ पर जो था कुछ मटन भी बन रहा था, वापसी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वापसी भी मटन बन रहा था। चाइनीज़ जो है मटन बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी वो तो बहुत ज़्यादा खाती है। अब डस्टबिन देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थे, सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे देसी लोग काफ़ी अब दिखाई देने लग गए हैं, और मुस्लिम्स कम्युनिटी भी ओवरऑल जो डिफरेंट नेशनैलिटी से बिलोंग करती है, तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत टाइट होती है यहाँ पे। हर बंदे को स्कैन किया जाता है, आप देख सकते हैं, इवन के बैग्स लेके जाना कुछ भी अलाउ नहीं था। उन्होंने कहा था कि आप ये सारी चीज़ें जमा करवाएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। चूंकि चाइना का आपको पता ही है कि ये लोग कम्युनिस्ट हैं, ये लोग किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई है, इसको बनाने वाला कोई मतलब कि सुपीरियर, जो हम गॉड को जैसे समझते हैं सुपीरियर, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये कहते हैं सब कुछ बस पैसा है, पैसा कमाओ, खर्च करो और तरक्की करो और दुनिया पर हुकूमत करो, ये चाइनीज़ का बिलीव है। ठीक है, पैसा वो कहते हैं सब कुछ है। ठीक है, हम समझते हैं कि बीइंग मुस्लिम हमारा बिलीव है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता। इसीलिए चाइना में पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। चाइनीज़ आर वेरी वेरी मटीरियलिस्ट पीपल। तो इनका एक ही गार्ड भी होता है, गार्ड नहीं, एक ऐसा पत्थर सा रखा होता है, कार्टून सा बनाया होता है, और वो कार्टून जो होता है ना वो ऐसे से हर वक्त हाथ ही लाता रहता है, उसके अंदर पैसे ये लोग डालते रहते हैं। मेन गार्ड भी बस पैसे का ही है इनका। उसके बाद जनाब यहाँ पे सदका ज़कात वगैरह के इस तरह से बॉक्स रखे हुए थे, आप अपना फितराना सदका खैरात कुछ भी दे सकते हो, इवन के वैसे भी डोनेट कर सकते हो, कुछ भी देना चाहते हो, जैसे मॉस्क के लिए भी। तो यहाँ पे लोग धड़ाधड़ दे भी रहे थे। और अगर बात करें लोगों की कि किस कदर लोग थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, इवन के दो शिफ्टिंग में नमाज को पढ़ाया गया। ऑल दो मास्क बहुत बड़ी है, चूँकि वुमेन को अंदर मास्क में जाने की इजाज़त नहीं, हमारे लिए फर्स्ट फ्लोर पे ही कुछ कमरे बनाए गए हैं, उन्हीं हॉल्स में हमने नमाज पढ़ी थी। जबकि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ऊपर मास्क काफ़ी बड़ी है, आपको ऑनलाइन मेलिंग मास्क शनचन की एक वीडियो भी मिल जाएगी, उसमें किसी ने मतलब मेल ने उसको कवरेज दी हुई है, तो वो मेल आप वाला पोर्शन अंदर जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो मर्द ही नमाज पढ़ने आते हैं। बाकी ये मूवेबल थोड़ी देर के लिए टॉयलेट्स थे, पानी जो था फीसबिलिटी था, फ्री था,
और बाकी कुछ फ्री नहीं था। लेकिन बीजिंग में मुझे याद है, जब मैं 2015 में बीजिंग में आई थी, तब बीजिंग में काफ़ी चीज़ें फ्री दी जाती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, कुछ ना कुछ थोड़े स्मॉल स्मॉल मील्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आप बाहर एक हलाल रेस्टोरेंट की ऑप्शन थी और फूड भी ठीक था। मैं उसका मेन्यू लास्ट में भी शेयर करूँगी, क्योंकि वापसी पे हम लोग रेस्टोरेंट गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि हम सेकंड शिफ्ट में आए थे। हमने 9:30 वाली नमाज़ पढ़ी थी, जो अर्ली मॉर्निंग वाली थी वो हम नहीं पढ़ सके थे, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे, अभी बच्चे नहीं उठे थे, मैंने उनको उठाना था, रेडी करना था। हालांकि बहुत क्रैंकी भी हो रहे थे क्योंकि अभी बच्चों की नींद पूरी नहीं हुई थी। आप सिक्योरिटी देख सकते हैं भाई, हर जगह सिक्योरिटी 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 थी। बहरहाल, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चाइना पे भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया का प्रेशर रहता है कि यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, ठीक है। चूँकि चाइनीज़ को ना तो वोट देने का हक है और ना ही मज़हब कोई अडॉप्ट करने का हक है इनकी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन फिर भी जो लोग मुस्लिम हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो वो ये एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे। लोग उतर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वो उतर रहे हैं। चाइना में जो लोग होते हैं, जैसे आपको स्काफ में औरतें दिखाई दे रही हैं, कुछ लोग इस तरह स्काफ पहनते हैं, फिक्स सा एक आता है सर पे पहन लेते हैं, खुद हिजाब स्टाइल नहीं बनाते हैं, जैसे खुले दुपट्टे से या खुला जो स्काफ हम लेते हैं, ये लोग इस तरह की फ़िक्स चीज़ें आती हैं बस सर पे पहन लेते हैं। और रीज़न ये होती है कि फिर काम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि चाइनीज़ औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं शॉप्स में, बाहर, ठीक है ना, आउटडोर हर वक्त रहती हैं, तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है, बस सर पे एक लगा लिया। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ आपने औरतें देखी होंगी बाहर जो इन्होंने पर्दा नहीं किया हुआ था, लेकिन वो अंदर जाके वहाँ पे स्काफ और गाउन स्कर्ट्स पड़े होते हैं, आप वो पहन के नमाज़ पढ़ लेते हो, जब वो बाहर आती हैं तो वो उतार देती हैं, क्योंकि कई लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करते। जैसे आपको एक औरत सामने दिखाई दे रही है, इसकी टांगें नंगी हैं। रीज़न ये है कि ये लोग, कई लोग स्कर्ट्स पहनते हैं, लेकिन जब नमाज़ बस पढ़े तो पजामा पहन लेते हैं, ये बड़ा सा स्कर्ट नीचे पड़ा हो तब उसके अंदर वो पहन के फिर नमाज़ पढ़ के आ जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक नॉन मुस्लिम स्टेट है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है, A to Z कि आप 100% जो है वो हिजाब या उसमें कर सको। लेकिन फिर भी इतना भी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, कि जहाँ पे हमें हलाल चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। तो अदरवाइज सम टाइम आप बाहर जाओ तो आप कुछ भी नहीं खा सकते, लेकिन अब चाइना में भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको हलाल चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे हमारे सिटी में भी यहाँ पे मिलती है, बड़े सिटीज़ में तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था कि वापसी पे मटन भी रोस्ट कर रहे होंगे, ये देखें रिब्स हैं जो कि बनाई जा रही हैं, ये बहुत मज़े की होती है, मैं अक्सर घर में बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मटन मुस्लिम कम्यूनिटी में बहुत फेमस है, जो नॉन मुस्लिम है बहुत ज़्यादातर पिग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं और दिखाते हैं जनाब, और क्या क्या चीज़ें थी वापसी में कितनी जाने पर। Yeah.
एक देसी घटा है। क्रीम लेने? हाँ हाँ लेने, कुछ ले देते हैं। उनको दे दें, खोल के पैकेट उसको देना स्कैन करने के लिए। वेट वेट वेट, हरफा हरफा到站，十五元；到站五，十元。Okay, okay, I have tissue. What is this?